हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे IVF के बारे में फिर से। और बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है पीरियड के कौन से दिन पर होता है और कौन से दिन पर सही होता है। देखिए, जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो पीरियड के 20वें दिन हुआ था और मुझे पीरियड लाइक सिम्टम स्टार्ट हो गए थे। पेन वगैरह, जैसे बैक एक लेग्स में पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, तो ये सब सिम्टम स्टार्ट हो गए थे। और मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था कि पता नहीं इस बार मेरा जो है पॉजिटिव रहेगा या नहीं। काफ़ी जो है मैं अजीब लग रहा था, पता नहीं कौन से डे पर होता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस जो है ये मन में आते ही हैं। तो आज मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ कि कौन से दिन पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कौन से दिन पर बिल्कुल सही रहता है। तो देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का क्राइटेरिया क्या है, यानी किस बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स की एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इस दिन होगा। तो ऑब्वियसली वो आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे जो है डिसाइड करते हैं। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जब ठीक से बन जाती है, उसकी मोटाई जो है बिल्कुल ठीक होती है, डॉक्टर्स को लगता है, और आपका जो है हॉर्मोन्स भी वो चेक करते हैं। तो जो हॉर्मोन लेवल भी सारे जो है आपके नॉर्मल हैं और आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी नॉर्मल है, आपको मेडिसिंस दे के रखी जाती हैं। तो आपके ऐसा नहीं है कि पीरियड्स आ जाएंगे अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो आपके पीरियड्स उस अपनी डेट पर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो है हॉर्मोन्स जो है वो दिए जाते हैं टैबलेट की फॉर्म में या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में, तो वो आपके पीरियड्स को आने से रोक रखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 20वें दिन के बाद, 25वें दिन, 26वें दिन हो रहा है तो आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो देखिए, हॉर्मोन्स से ही, जब हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तभी पीरियड्स आते हैं। तो वो हॉर्मोन्स जो है वो बनाकर रखते हैं, आर्टिफिशियली दे रहे होते हैं, तो पीरियड्स आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डिपेंड करेगा कि आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग कितनी है और वो कब आपकी जो है सही होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताया है, 7 से लेकर 14 mm के बीच में आपकी जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिकनेस होती है। तो उसी जब वो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो जाती है, वो अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं और जब उनको लगता है कि अब आपकी बॉडी जो है रिसेप्टिव है, आपके हार्मोन लेवल भी सारे ठीक हैं, आपको हार्मोन की पूरी डोज दे चुके होते हैं, तब वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो लेट करेंगे तो ये गलत है। तो 15 साइकिल के, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 15वें से लेकर 25वें दिन तक वो कभी भी कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, तो उसमें कोई फिक्स डेट नहीं है। तो जैसे मेरा फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है वो 20वें दिन हुआ था पीरियड्स की, और जो मेरा सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था जो कि सक्सेसफुल रहा था, वो महीने के मेरे 15th डे पर हुआ था। मेरे 4th को पीरियड का फर्स्ट डे था और मेरे को 20th को हुआ था। अब आप देख लीजिए, 15th या 16th डे बनता है। तो 20th को मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था और 4th को मेरे पीरियड आए थे। तो इसमें 15th या 16th डे पर हुआ था। तो ऐसे ही मैंने आपको पूरी एक रेंज बता दी है, 15 से 25 दिन कभी भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आपकी लाइनिंग ठीक होगी। बाकी सारी चीज़ें भी डॉक्टर देखते हैं, हॉर्मोन्स वगैरह की डोज वगैरह वो देकर रखते हैं। आपकी पूरी हिस्ट्री का भी होता है उसमें कि आपको कोई मिसकैरेज हुआ हो या उसके पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब होगा। तो आपका चाहे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, तो उसमें आपका यही रेंज रहेगी, 15 से लेकर 25वें दिन में कभी भी, इसके बीच में कभी भी कर सकते हैं। सभी सही होते हैं, डॉक्टर सही से डिसीजन लेते हैं, आपकी पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखते हैं, हार्मोन का लेवल देखते हैं, आपकी हिस्ट्री देखते हैं। तो इसमें आप अपने तरफ से टेंशन ना लें, क्योंकि अगर आप जितनी टेंशन लेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के आसपास तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रखें, डॉक्टर पर अपने ट्रस्ट करें, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको डॉक्टर पर पूरे 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की स्टेज पर पहुंच गए हैं, और उसके बाद आपको सब कुछ छोड़ देना है गॉड पर और अपने डॉक्टर पर। इनफैक्ट तो ये सारे डिसीजंस डॉक्टर पर रहने दीजिए, आप डरिए मत। तो आई होप आज से इससे कुछ हेल्प मिली होगी आप।